जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के ऊपरी कंडी गांव में एक पति पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग इस कृत्य में शामिल आरोपियों की तत्काल पहचान करने की मांग कर रहे हैं। मृतकों की पहचान मोहम्मद आजम और उनकी पत्नी गुलजार बेगम के रूप में हुई है। पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने कहा कि दंपति राजौरी जिले के कोटरंगा उपमंडल के ऊपरी कंडी गांव में ढोक बगला में अपने घर में रह रहे थे। उनका घर केसरी पहाड़ी के घने जंगल के निकट मौजूद था। उनकी माने तो दोनों की बेरहमी से गला रेत कर हत्या की गई है। पति का पैर और पत्नी की आंखें भी फोड़ दी गई है। पीड़ित मोहम्मद आजम के बड़े भाई और राजनीतिक नेता मोहम्मद अयूब खान ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में उनके परिवार के 11 सदस्यों की इस तरह से हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद से कोटरंगा के मुख्य चौक पर भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में लोग न्याय के नारे लगाते हुए मुख्य चौक पर जमा हो गए। अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच की जाएगी और जो भी इसमें शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। करते थे इसी वजह से कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आंत की गतिविधियां भी हो सकती हैं, इसमें अंजाम उन्होंने भी दिया हो सकता है, लेकिन ये कहीं इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मर्डर हुआ है या फिर टेररिज्म एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व लोग थे उन्होंने मारा है या मिलिटेंसी का जो हादसा है, इस पर अभी मैं टिप्पणी कोई नहीं कर सकता, लेकिन बताया यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनका, अगर वहाँ पर जब स्पॉट पर हम पहुँचे उनका दोनों का जो मियां बीबी थे उनका गला जो है कट किया हुआ, एक पाँव काटा हुआ है, मतलब बहुत ही भयानक जो है जो सरे अंजाम दिया जो इस मृत्यु को। मेरे को लगता है कि इस तरह के हादसे हमारी अगर डिस्ट्रिक्ट में आए दिन हमें देखने को मिलते हैं, जिस प्रकार हमें लगता है कि हम यहाँ पर सेफ नहीं है और पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। अभी आपने देखा कि किस तरह से पूरा सब डिस्ट्रिक्ट के जो लोग थे, खासकर कोटरंगा वासी, वो वहाँ पर स्पॉट पर गए हुए थे। हमें एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी नलायकी है। एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर अधिकारी यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा, क्योंकि हम लोग जो दूर दराज रिमोट एरिया में रहते हैं, इसी वजह से हमें लगता है कि ये लोग हमारे लोगों को इस तरह से देखते हैं। ये किस का कत्ल किया गया, उनके नाम क्या है, उनका क्या रिश्ता था आपको? ये जो मोहम्मद आजम थे उनकी मिसिज थी, वो वहीं पर रहते थे, क्योंकि डोक है वहाँ पर अपने मवेशियों को लेकर जाते हैं वो। अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था, वो नीचे आने वाले थे, लेकिन इस तरह का दरिंदगी हमला, हमें लगता है कि ये जो लोग जिन्होंने भी ये हादसे को अंजाम दिए, ये बहुत बड़े दरिंदे थे, और इस तरह से कत्ल किसी का करना, मेरे को लगता है कि इस तरह से हमने कहीं भी नहीं, हम भी रिमोट एरिया में जाते हैं, लेकिन इससे पहले मैं इस तरह का हादसा कहीं भी नहीं देखा। आज दिल इतना परेशान है, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी हमने जाके देखा है, और जिस बुरी हालत के साथ आंखें निकाली गई, गले काटे गए, पांव तक काटे गए, और मैं कहता हूँ पता नहीं ये कौन से लोग होते हैं, पता नहीं रब से डरने वाले ये लोग हैं या नहीं, या ये रब को मानने वाले भी ये लोग हैं नहीं। मैं इतना परेशान हूँ, इतना दुखी हूँ, और मैं बता नहीं सकता आपको, पास मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि मैं किन अल्फाज से जो है इस जो बर्बरियत के साथ, जिस मैं कहता हूँ कि जिस बुरी तरीके से जो है वो एम्प्यूटेशन की गई जो बॉडीज की, तो मैं कहूँगा देखिए ये तो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज जो है ये अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताएंगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। बट अगर आप जैसे बॉडीज को अगर आप देखेंगे तो मैं कहूँगा कि लगता है कि कोई ऐसे लोग थे कि जिनके अंदर ना कोई दिल था, ना जिनके अंदर इंसानियत थी। मैं कहूँगा वो जानवर लोग थे जिन्होंने जो है इन लोगों का जो है वो कत्ल किया है। और आज मैं आपके चैनल के वसादत से यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की जो यूटी गवर्नमेंट, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और होम मिनिस्टर साहब से ये अपील करूंगा कि ये कोई छोटा सा मसला नहीं है, इसको सीरियसली लिया जाए। ये हमारे लोगों के अंदर एक दहशत फैलाने का जो है एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और जल्द से जल्द इसके ऊपर जो है वो संगीन जो है वो सीरियस तरीके से इस पे नोट लिया जाए, और जो कल्प्रिट्स हैं उनको जल्द से जल्द है वो नैब करके उनको बिहाइंड द बार किया जाए। दैनिक सवेरा के लिए जम्मू कश्मीर से जुबैर की रिपोर्ट।